रीवा में होमगार्ड का 77वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। रीवा के तोपखाना बिछिया स्थित तो होमगार्ड कार्यालय में विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी 6 दिसंबर को स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खनिज अधिकारी श्रीमती दीपमाला तिवारी व विशिष्ट अतिथि डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कल्याण सिंह एवं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट अजय सिंह कश्यप सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान एसटीआरएफ के 2 प्लाटून व होमगार्ड के 2 प्लाटून ने परेड में भाग लिया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को सलामी भी दी गई। तत्पश्चात परेड मार्च की गई, जिसके बाद राष्ट्रपति का संदेश का वाचन किया गया। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में होमगार्ड संगठन वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश होमगार्ड अधिनियम सन 1947 के तहत हुआ था। बाद के वर्षों में नागरिक सुरक्षा अधिनियम के लागू हो जाने से नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस को मध्य प्रदेश होमगार्ड के अंतर्गत लाया गया। विभाग का मुख्य कार्य मध्य प्रदेश होमगार्ड सिविल डिफेंस एवं आपदा प्रबंधन की गतिविधियों को संचालित करना एवं उन गतिविधियों की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर प्रगति लाना है। रीवा में भी होमगार्ड के कर्मचारियों ने कई उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिन्हें समय समय पर सम्मानित भी किया गया है। लेकिन बीते दिनों में होमगार्ड कर्मचारियों को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इनमें सबसे बड़ा संकट वेतन को लेकर के है। इनका मान है कि 12 महीने हमें वेतन दिया जाए, ना कि 10 महीने का। होमगार्ड डिपार्टमेंट अपने आप में जिले में प्रदेश में एक सराहनीय कार्य करता रहा है। उसके बिना विभाग की सभी विभागों की कुशलता से नेतृत्व संभव नहीं है। और आगामी अभी चुनाव भी बहुत अच्छे से कराया संपन्न। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं इस वर्ष यहाँ पर आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हूँ। आगामी इसी तरह से अनुशासन से और प्रतिबद्धता से आगामी कार्रवाई करने की आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे होमगार्ड विभाग में होमगार्ड स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि दीपमाला तिवारी खनिज अधिकारी, विशिष्ट अतिथि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कल्याण सिंह एवं हमारे विभाग के उपस्थित सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को इनवाइट किया गया था। आगंतुक कॉलोनी के रहवासियों को भी आमंत्रित किया गया था, गणमान्य नागरिकों को भी बुलाया गया था। इस गरिमामयी होमगार्ड स्थापना दिवस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिए गए निर्देशानुसार मनाया गया है। कौन सा स्थापना दिवस था ये? 61वां होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया गया। नहीं भाई, राष्ट्रपति वगैरह में तो 61 लिखा है, तो वही ना बोलेंगे। हर साल मनाते हैं? हाँ, हर साल मनाते हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय सिंह है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड रीवा, अतिरिक्त प्रभार शहडोल, मुख्य प्रभार।